Good morning students, how are you all? Hope you all are fine. Students, today we will start with chapter 10 of EVS, that is our neighborhood. Bolenge mere saath mein, you have to repeat with me, our neighborhood. Hood, okay, our neighborhood. What does it mean, our neighborhood? What does it mean? Neighborhood means aas pados. What does it mean? Aas pados, okay, and our means hamara, okay. To iska matlab kya hua, hamara aas pados hai na. वी आप लोग सुनते हैं ना, ये हमारे पड़ोस में रहते हैं, ही इज़ माई नेबर, ये हम बोलते हैं ना. आपके कई फ्रेंड्स भी आपके आसपास में रहते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, नेबर्स कहते हैं. दोज़ हु लिव नियर आवर हाउस दे आर कॉल्ड नेबर्स. जो हमारे घर के आसपास में रहते हैं उनको हम क्या कहते हैं, नेबर्स. और उस जगह को क्या कहते हैं, नेबरहुड. Okay, let's start the chapter. You have to read with me. Okay, the area close to our home is our neighborhood. इसको कैसे बोलेंगे, neighborhood. Okay, हमारे घर के, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल दिस इज़ आर होम, ओके, दिस इज़ आर होम, ओके. इसके आसपास, यहाँ पर जो जगहें होती हैं, दैट इज़ कॉल्ड आर नेबरहुड, ओके. वी हैव वेरी नाइस पीपल लिविंग नियर आर होम. और हमेशा हमें ये मान के चलना चाहिए कि हमारे पास में जो भी रह रहे हैं वो कैसे हैं, बहुत अच्छे. नाइस मीन्स बहुत अच्छे लोग हैं. दे आर आर नेबर्स. वो हमारे क्या हैं, नेबर्स हैं. नेबरहुड में रहने वाले लोगों को हम क्या कहते हैं, नेबर्स कहते हैं. क्या कहते हैं, नेबर्स. आई प्ले विथ माई फ्रेंड्स इन द पार्क इन द इवनिंग. हम लोग, अभी लॉकडाउन चल रहा है, बट बिफोर लॉकडाउन व्हाट वी डू, आप अपने फ्रेंड्स के साथ में पार्क वगैरह में आसपास खेलते थे ना. सो ये भी यहाँ पर यही कह रहा है एक बॉय कि आई प्ले विथ माई फ्रेंड्स इन द पार्क इन द इवनिंग. Now what? This is interview your parents. ये इतना सा पोर्शन आपको अपने मम्मी पापा से पूछना है. I am explaining it to you. Interview your parents means अपने मम्मी पापा से पूछना. When did they shift into your present house? यानी कि आपके मम्मी पापा और आप इस घर में जिसमें आप अभी रह रहे हैं उसमें कब शिफ्ट हुए थे, ओके. वन ईयर पहले, टू ईयर पहले, या फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, हमेशा से यहीं रह रहे हैं, वो आपको यहाँ पर लिखना है. व्हाट डू दे लाइक मोस्ट इन देयर हाउस. एंड आपके मम्मी पापा को उस घर में, उस हाउस में सबसे अच्छा क्या लगता है, इट्स सराउंडिंग्स, कि वहाँ पर मार्केट है पास में, या वहाँ पर आपका स्कूल पास में है, वॉट एवर, वो आपको यहाँ पर लिखना है, ओके. नाउ वी विल डू सम एक्सरसाइज. हम ये पिक्चर्स देखेंगे एंड वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड विच प्लेस इज़ दिस अ गुड नेबरहुड हैज़. मतलब एक जो अच्छा नेबरहुड, एक अच्छा आस पड़ोस कैसा होता है, इट हैज़, ये क्या है, क्या दिख रहा है, ये क्या समझ में आ रहा है, यस इट इज़ स्कूल, ओके. बेटा आप लोगों को भी ये अपनी बुक में नोट डाउन करना है. सेकंड थिंग, व्हाट इज़ दिस, देखिए सब लोग ये लेटर पोस्ट कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, सो इट इज़ पोस्ट ऑफिस,
व्हाट इज़ इट, पोस्ट ऑफिस, ओके, जहाँ पर हम लेटर पोस्ट करने जाते हैं, ओके। नाउ देखिए बहुत सारा मनी है एंड एक पुलिस अंकल भी बैठे हैं, बहुत सारे लोग भी हैं जो काउंटर्स हैं अलग अलग, व्हाट इज़ इट, इट इज़ अ बैंक। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर सब शॉपिंग कर रहे हैं, वेयर डू वी डू शॉपिंग, इन मार्केट, यस वेरी गुड। देन डॉक्टर्स, वेयर डू वी मीट विद डॉक्टर्स, यस इन हॉस्पिटल, हॉस्पिटल, हॉस्पिटल। नाउ ओ देखो थीव्स को पकड़ के पुलिस अंकल कहाँ ले जाते हैं, इन पुलिस स्टेशन, वेरी गुड। देन वेयर डू वी प्ले विद आवर फ्रेंड्स, इन पार्क। एंड वेयर डू वी वेट फॉर द बस, ऑन बस स्टॉप, ओके। Now these are the things that should be near to our house, okay? That should be our neighborhood. मतलब हमारे घर के पास में ये चीज़ें होना ज़रूरी है, our school, post office, bank, market, hospital, police station, park और bus stop. Now what you have to do, again आपको अपने parents से पूछना है, do you have These places in your area, आपके घर के आसपास ये जगहें हैं, कुछ ना कुछ तो हमारे घर के आसपास होता है, so we do, yes. Name any two important places of your neighborhood that you like to visit. Now this one you have to do by yourself. यहाँ पर आपको दो जगह, two places के नेम लिखने हैं जो आपको अपने नेबरहुड में अच्छी लगती हैं और आप जाना पसंद करते हैं, ओके स्टूडेंट्स। नाउ हियर वी हैव अंडरस्टूड दैट एक नेबरहुड होता है, नेबरहुड क्या होता है, द प्लेस नियर टू आवर होम, हमारे घर के आसपास का जो एरिया होता है उसको हम क्या कहते हैं, नेबरहुड कहते हैं। एंड ऑलवेज वी हैव वेरी गुड नेबर्स, हमारे आसपास हमेशा अच्छे नेबर्स होते हैं, जो हमारे आसपास लोग रहते हैं उनको हम क्या कहते हैं, नेबर्स कहते हैं, ओके। नेक्स्ट यू हैव टू आस्क टू योर पेरेंट्स दीज टू क्वेश्चंस, ओके, डू बाय योरसेल्फ, देन अगेन यू हैव टू राइट दिस प्लेसेस नेम इन योर बुक, देन यू हैव टू डू दिस क्वेश्चन बाय योरसेल्फ कि आपको कहाँ जाना अच्छा लगता है अपने नेबरहुड में, ओके। Now, tomorrow we will do its exercise. Till then, bye-bye. Take care.